हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार झा और ये मेरा चैनल आर्ट्स डॉट एडिट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी 2D पिक्चर को 3D पॉप आउट इमेज में बदल सकते हैं। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने की। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, तो ये इमेज जो है आपका 3D पॉप आउट इमेज कहते हैं इसको। अगर आप इसको देखें तो ओरिजिनल इमेज आपको ये है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो ये देखिए इमेज है। तो सबसे पहले हम, ये हमारा इमेज है बैकग्राउंड लेयर में, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि ये इमेज हमारा प्रोपोर्शनेट नहीं है। इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है। तो आप जो है सबसे पहले क्या कीजिए, इसको रिसाइज करने के लिए, इसको क्रॉप करने के लिए क्रॉप करेंगे हम। क्रॉप टूल में आ गए, 1x1 का आपको लेना है, तो मैंने ये 1x1 का ले लिया है। अब इस पिक्चर को हम क्रॉप करेंगे, इसको सेंटर में ले आते हैं, ओके। और थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमने बढ़ा दिया है, और थोड़ा सा इधर भी बढ़ाएंगे हम। दोनों तरफ से हमारे पास इमेज के ऊपर ये होना चाहिए। टॉप पोर्शन हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि टॉप पोर्शन को हम एक्चुअल में कटआउट करने वाले होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास पूरा इमेज। तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और ये फोटो हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को क्रॉप कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एरिया में कोई भी पिक्सल नहीं है। तो अगर आप नया वर्जन फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये दो ऑप्शंस दिखेंगे, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स और कंटेंट अवेयर। तो कंटेंट अवेयर को चेक करने से क्या होगा कि जहाँ पे पिक्सल्स नहीं है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फोटोशॉप खुद ही पिक्सल्स जनरेट कर लेता है जिस इमेज के हेल्प से। तो हमने इसको किया ओके, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा इमेज को पूरा फॉर्म करने के लिए। तो ये देखिए, हमारा इमेज बनके पूरा तैयार हो गया, वेरी नाइसली डन। फोटोशॉप ने कैसे इसको जनरेट कर दिया है इस पार्ट को। चलिए, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले इस लेयर के आप दो कॉपी और बनाइए। तो कंट्रोल जे से मैंने दो कॉपीज बना दी। दोनों कॉपीज की नेमिंग अभी कर देते हैं हम, वो हमारे लिए इजी रहेगा। पहली कॉपी का नाम रख दीजिए बेस और दूसरे कॉपी का नाम रख दीजिए आप पॉप आउट इमेज। तो सबसे पहले हम बेस लेयर के ऊपर काम करेंगे और इन दोनों को हम इनविजिबल कर देंगे। उसके बाद आप, जब ये दोनों आपके पास विजिबल नहीं है, एक्टिव लेयर आपका लेयर जीरो है, उस लेयर में जाने के बाद न्यू एडजस्टमेंट लेयर से आप ग्रेडियंट सिलेक्ट कीजिए। ग्रेडियंट जो है वो हमारे बैकग्राउंड के लिए होगा और हम यहाँ से चूज करेंगे, मैं यहाँ पे थर्ड वाला चूज कर रहा हूँ। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने चूज किया। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो स्टॉप है नीचे वाला उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ब्लैक कलर की जगह पे मैं ले लेता हूँ डार्क ब्लू कलर, ये कलर मुझे सही लग रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। इसको ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया। तो ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। उसके बाद हम जाएंगे बेस लेयर ओपन करेंगे। बेस लेयर में हमें करना क्या है, इसका एक बेस बनाना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्केट टूल जो है वो सेलेक्ट करना है हमको, और थोड़ा सा एरिया यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सेलेक्ट में, वहाँ से आप ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन लीजिए। तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इसको आपको छोटा बड़ा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे ये सही लग रहा है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और पर्सपेक्टिव चूज करूँगा। पर्सपेक्टिव चूज करने के बाद इसको इनवर्ड मूव कीजिए, इसको थोड़ा सा आउटवर्ड मूव कीजिएगा, ये आपने कर दिया। उसके बाद आप, मैं एक बार स्केल चूज करूँगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर सकूँ, और ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है यहाँ तक। और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव एक बार फिर से लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ओके।
तो इसको अब मैं कर देता हूँ ओके। तो ये जो आपने सिलेक्शन कर लिया है, उस सिलेक्शन करने के बाद आप इसका एक मास्क ले लेंगे। मास्क का यूज, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा सिलेक्शन है उसे छोड़ वो बाकी पार्ट को इनविजिबल कर देगा, सिर्फ मेरा वो पार्ट विजिबल रहेगा जो सिलेक्टेड है। तो मैंने यहाँ से अपनी एड मास्क लेयर है उसको कर दिया हमने। अब ये हमारे पास मास्क आ गया। तो अब ये बेस लेयर हमारा बन चुका है, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, इसमें एक आउटलाइन एच देंगे। उसके लिए आप बेस लेयर को ही सिलेक्ट करके रखिए और एफएक्स जो फंक्शन है वहां से आप चूज कीजिए स्ट्रोक। तो आपके पास स्ट्रोक का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो से ध्यान रखिएगा साइज जो है मैंने 50 चूज किया है, 50 से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 55। और पोजीशन इनसाइड रखिएगा, ब्लेंड मोड नॉर्मल है, ओपेसिटी 100% रखिएगा, कलर मैंने व्हाइट चूज किया है और फिर इसके बाद इसको कर दीजिए ओके। तो ये आपके पास ऐसा दिखेगा आपको। तो बेस लेयर को स्ट्रोक देने के बाद आप जो है थर्ड लेयर को विजिबल कीजिए, एक्टिव कीजिए। तो थर्ड लेयर को एक्टिव करने के बाद उस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और इमेज को थोड़ा सा जूम करने के बाद हम इस इमेज को सेलेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल यूज कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। आपको जिस टूल से बेटर लगता है सिलेक्शन करना, पेन टूल हो, लेसो टूल हो, क्विक सिलेक्शन टूल हो, तो उस टूल से आप इमेज को सेलेक्ट कीजिए। जितना बेटर आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट आपका आएगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है, प्लस साइन से ये देखिए। और अगर ये थोड़ा सा, ये देखिए पूरा पूरा चला गया है हमारे पास, और कहीं कहीं पे आपको ये दिखेगा कि बाहर गया हुआ, तो कोई बात नहीं, अल्ट दबाइए, अल्ट से ये इसको अंदर की तरफ कर दीजिए थोड़ा सा। तो ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा परफेक्ट इमेज सेलेक्ट नहीं किया है, आपको अगर अच्छे से करना है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको परफेक्शन के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सिलेक्शन है हमारा उसका हम एक मास्क ले लेंगे। मास्क लेने के बाद आपको ये देखिए इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 50% पॉप आउट कंप्लीट हो गया है। ये लेयर जो है इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको क्या कर दीजिए, लिंक को तोड़ दीजिए। अब क्योंकि मैंने बेस लेयर को सिलेक्ट कर लिया है, मुझे बेस लेयर के नीचे क्या चाहिए, एक शेडो लेयर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले CTRL के साथ बेस लेयर को क्लिक करूंगा तो ये इसको सिलेक्ट कर देगा और उसके बाद एक हम शेडो जनरेट कर देंगे, एक लेयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने एक न्यू लेयर सेलेक्ट किया तो वो फोटोशॉप जनरली लेयर जो है वो सिलेक्टेड लेयर के ऊपर हमें देता है, लेकिन अगर आप CTRL के साथ करेंगे तो ये आपको नीचे लेयर दे देगा। ये लेयर हमारे पास आ गया, इसको हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे क्योंकि हमारा शेडो जो होता है वो ब्लैक होता है। तो एडिट में जाइए, यहाँ पे फिल ऑप्शन आएगा, फिल ऑप्शन में कलर चूज कीजिए, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर जो है मिलेगा और ब्लैक कलर को ओके कर दीजिए और ये फिल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से बेस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे ताकि पेपर की तरह इसको कर्ल करेंगे ताकि 3D लुक आ जाए। तो उसके लिए हमने बेस लेयर के मास्क को सिलेक्ट किया है और हम जाएंगे यहाँ पे एडिट में। एडिट में जाने के बाद आप ट्रांसफॉर्म में जाइए और वहाँ से ले लीजिए वॉर्प। वॉर्प टूल की मदद से आप इसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। मैं इसको इस तरीके से करना चाहता था ओके, और ये थोड़ा सा यहाँ पे ले लूंगा मैं। तो ये मैंने देख सकते हैं मैंने कर दिया है इसको वॉप, इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास ये हो चुका है ऑलमोस्ट अपना रेडी। इसके बाद तब भी आप एक बार जो है शेडो लेयर में जाइए, इसका नाम मैं रख देता हूँ शेडो। शेडो लेयर में जाइए और इसको भी आप CTRL के साथ सेलेक्ट कीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप एडिट में जाइए, एक ट्रांसफॉर्म टूल पे वॉप लीजिए।
और इसको जो है इमेज किस डायरेक्शन में इसको आप बढ़ा दीजिए। तो ये कुछ इस टाइप से होगा। अगर आपको ऊपर भी चाहिए तो ओके। तो ये हमारा शेडो हो चुका है। उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। शेडो आप देखेंगे काफी ज्यादा, इसके कमांड से डिसलेक्ट कर देते हैं हम इसको। ओके आप देखेंगे डिसलेक्ट करने के बाद, हाँ तो ये जो शेडो है काफी ज्यादा डार्क है, तो इस शेडो को थोड़ा सा ब्लर करते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके रखिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और आप जाइए फिल्टर के अंदर, यहाँ से आप चूज कीजिए ब्लर, ब्लर से गॉशियन ब्लर, और ये आप मैंने यहाँ पे 80% रख रखा है। इसको मैं कर देता हूँ 70%। 70% मुझे ओके लग रहा है। एक बार देखिए, ओके कर दीजिए आप। ठीक है, तो आपका ये आपका कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। ओके सो दिस विल बी आवर फाइनल इमेज। तो ये इमेज अगर आपको ग्रेडियंट टूल का यूज करके फिर से बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट टूल लीजिए और यहाँ पे कलर जो है आप जो जैसा कलर चूज करेंगे वो वैसा कलर आ जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड में। मैंने यहाँ पे कलर चूज किया है ये वाला, तो इसको ओके कर देते हैं। और ये व्हाइट वाला जो फिल्टर है वो उसको हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये ऐसे आ गया हमारे पास, और इसको कर दीजिए ओके। ओके तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नए लेक्चर के साथ आऊँगा। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।